अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लानेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, यानी कि 45 और 50 तक गर्मियाँ पहुँच जाएगी और कबूतरों को डिहाइड्रेट यानी कि ताप वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो इस वजह से इससे निपटने के लिए इन्हें मैं मतलब कि अभी से मतलब कि इनके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर देता हूँ। यानी कि अभी तो खैर किसी कबूतर को ताप वगैरह हुआ नहीं है, डिहाइड्रेट हुआ नहीं, लेकिन मैं पहले ही आप दोस्तों को बता देता हूँ कि इस मतलब कि सारे मसले से निपटने का भी हाल मैंने सोच रखा और वो मसले से निपटने का हाल हमारे पास ही क्या है। तो वो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमारे पास कौन सी दवाई होगी और कौन सी दवाई लागू लगती है कबूतरों के ऊपर, तो पहले तो आप दोस्तों देख सकते कि पेडीफास्ट ये एक लिक्विड सिरप है, ये आप देख सकते हैं। इतना तो खैर महंगा नहीं है, किसी भी आप मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं कि डिहाइड्रेशन के ऊपर पहले से मतलब कि ट्रीटमेंट करती है। यानी कि अभी तक आप देख सकते हैं कि कुछ बीच बीच में अल्लाह ना करे बच्चों वगैरह को हो जाए, किसी बड़े कबूतर को हो जाए, फिर उसके मतलब कि जब बीमार हो जाए तो फिर हमें मतलब कि ट्रीटमेंट करना बहुत महंगा पड़ता है। यानी कि तब रिस्क ही होता है कि आपके मतलब कि आपके जो कबूतर होते हैं वो जानवर हो सके या ना हो सके। तो इसीलिए सो मैंने आज मतलब कि आज गर्मी कुछ ज़्यादा, इसीलिए मैंने पहले ही ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। और कितनी मिकदार में डालनी है ये आप देख सकते हैं कि इतनी सी इनके पानी में डाल देते हैं, ये आप देख लें, ये जी थोड़ी सी बाहर गिर गई है, अभी ये थोड़ी सी और डाल देता हूँ ये। तो इसका कोई नुकसान नहीं होता जितनी मर्जी उसमें। अच्छा, तो दोस्तों जितनी मर्जी डाल दे कोई नुकसान नहीं होता, बकाया इस तरह ऊपर थोड़ा बहुत छांव वगैरह कर दे, बकाया धूप ही ठीक है। भैया दाना वगैरह हमने डाला था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत कड़क धूप है, बादलों की जब आके कोई वो नहीं है, तो मतलब कि इसीलिए हमने अपने कबूतरों को भी थोड़ी देर तक नहलाना भी है। तो पहले साथ साथ ये पानी भी पीते रहेंगे, डिहाइड्रेशन से भी बचे रहेंगे। और इस तरह के मतलब कि ना छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखा जाता है कबूतर परवरी में, तो आपके ब्रीडर सेटअप बचा रहता है। ब्रीडर सेटअप में आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक रोन के लगे सारे हमारे कबूतर काम करेंगे। एक हमारा जो पिपलों वाला कबूतर था कलसीरा, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि बेशक इसे लकवाए पुराना, लेकिन इसका बच्चा वो सामने आके बैठा कुछ खाने के लिए। तो दोस्तों यही थी छोटी सी टिप्स आप दोस्तों के साथ शेयर की है मेडिसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।